ऑफिस के हो, स्विच तो ऑन है ना? हाँ ऑन है ना। अच्छा अच्छा हाँ, तो फिर चालू क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है अंदर बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। तो ये एसी को पूरा खोल के देखना पड़ेगा। हाँ, और इसको खोलने के लिए क्या सब हथियार चाहिए? और सब हथियार अभी एसी रिपेयर करने वाले के पास ही होगा। हाँ हाँ, इन शॉर्ट एसी रिपेयर करने वाले को बुलाना पड़ेगा। हाँ अभी एसी रिपेयर करने वाला कहाँ मिलेगा? अरे मिलेगा, बबीता मिलेगा। तो जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब तुमने मुझे ये क्यों बोला कि अभी एसी रिपेयर करने वाला कहाँ मिलेगा? क्योंकि बबीता, जब तुमने फोन रख दिया उसके बाद में जोड़ी मेरे को बोला कि उसके पहचान में एक एसी रिपेयरिंग करने वाला है और वो यहीं कहीं पास में ही रहता है। लेकिन तभी ये डेढ़ लाल बोला, किसी को बुलाने का जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं ठीक कर देगा। और अभी एसी रिपेयरिंग करने वालों को बुलाने का बोलता है। तभी मेरे को बुलाने दिया होता तो अभी तक एसी रिपेयर हो जाता। अरे अभी वो सब छोड़ो, प्लीज एसी वाले को फोन करो। लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं है, सोडी से लेना पड़ेगा। अय्यर भाई, सोडी को फोन करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे पास उसका नंबर है? है ना। तो उसका नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? नहीं, उसका नंबर नहीं है मेरे पास, दूसरे एसी रिपेयरिंग करने वाले का नंबर है। दूसरा कौन? बाघा। क्या है, अभी आप सोडी को फोन करेंगे, उससे वो एसी रिपेयरिंग वाले का नंबर लेंगे, फिर उसको फोन करेंगे, फिर पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा। इससे अच्छा क्या मैं बागा को फोन कर दूंगा, वो तुरंत आ जाएगा और एसी रिपेयर कर देगा। पर बागा भाई इतना लेट आएंगे? अरे तुरंत आ जाएगा। क्या बबीता जी, मैंने उसको फुल ट्रेनिंग दी है कि बेटा क्या है, पैसा तो जीवन में हर कोई कमाता है, लेकिन अगर जीवन में कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले ना, तो बेटा आधी रात को भी दौड़ के मदद करने पहुंच जाना चाहिए। तो तब से लेकर आज तक जब भी मेरा फोन उसे जाता है ना, वो फटाक करके खड़ा हो जाता है अगर सो रहा हो तो, और फटाक करके घर से निकल जाता है मदद के लिए। अभी देखना, मैं उनको फोन करूंगा ना बबीता जी, फटाक करके आ जाएगा। ये बागा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, फोन तो लगा, रिंग जा रही है, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहा है। अरे फोन उठा भाई, फोन उठा, किधर है तू? छोड़ो छोड़ो, बागा को छोड़ो, मैं सोडी को फोन लगाता हूं। एक मिनट यार भाई, एक और बार मुझे जरा ट्राई कर लेने दो, वैसे उठा ही लेते, पता नहीं आज क्यों नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहा है ना? नहीं। अभी रहने दो, मैं छोटी को फोन लगाता हूँ। तो मैंने लगा दिया छोटी को फोन। स्पीकर पर रखो। अरे अरे क्या है रे, मालूम तो पढ़ना चाहिए कि तुम छोटी को फोन लगा रहे हो, कहीं छोटी को बजाय तुम बागा को फोन लगा रहे होंगे तो। अय्यर भाई ने आज अविश्वास के तालाब में ऐसी डुबकी मारी है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। ये देखो, इधर फोन बज रहा है इसका और ये घोड़े बेच के सो रहा है। हेलो रोशन बाबी, जरा सोठी को फोन देंगे प्लीज। जेठा भाई वो तो सो गया है। हाँ तो जरा जगाइए ना, अर्जेंट है। कैसे उठायो, सब ठीक है ना जेठा भाई? हाँ नहीं नहीं, ऐसा सब ठीक है, खाली है बबीता जी का एसी है ना बिगड़ गया है। जेठा भाई, रोशन तो गाड़ी का मैकेनिक है, वो एसी कैसे बनाएगा? नहीं नहीं, वो तो पता है क्या, हम लोग छोटा शॉप पे मिले थे ना। हाँ? तभी छोटी ने बताया था कि उसकी पहचान में कोई एसी रिपेयरिंग वाला है, तो उसका नंबर चाहिए। हाँ, एक कच मिनट। रोशन रोशन उठ, रोशन उठ। अभी नहीं रोशन डार्लिंग, अभी नहीं। रोशन उठ 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 उठ। सुबह सुबह देंगे, सुबह देंगे। हेलो जेठा भाई, सॉरी मैं सारी कोशिश कर ली,
लेकिन उठी नहीं रहे हो। हाँ तो कोई बात नहीं, उसके फोन में से खाली ये एसी रिपेयरिंग वाले का नंबर दे दीजिए ना। एक मिनट, जेठा भाई रोशन ने कोई नाम तो बताया होगा ना आपको? नहीं, नाम तो नहीं बताया था, खाली ऐसा बोला था कि मेरी पहचान में एक एसी रिपेयरिंग वाला है। पर बिना नाम के नंबर कैसे ढूंढूं? एक काम कीजिए रोशन भाभी, ओ नाम के नीचे उसने काउंस में एसी रिपेयरिंग वाला बंदा ऐसा कुछ लिखा होगा, तो आप एसी रिपेयरिंग ऐसा टाइप करेंगे ना तो नंबर आ जाएगा। जेठा भाई ऐसा तो कोई नाम नहीं है। तो एसी मैकेनिक ऐसा टाइप करके देखो। एसी जेठा भाई, वो एसी मैकेनिक तो ना ठीक, पर खाली मैकेनिक छे। हाँ तो वही होगा, वही होगा। बट मैकेनिक के नाम पे तो 10-15 नंबर है। अच्छा सॉरी जेठा भाई, सो सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं रोशन भाभी, गुड नाइट। बबीता अभी ये जय डलाल का वजह से तुमको सारी रात गर्मी में सोना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सोना पड़ेगा गर्मी में। क्या जानी सोना पड़ेगा, मैं हूँ ना। तो तुम क्या करेगा रात भर हमारा बेड के पास में बैठ कर हाथ में न्यूज पेपर लेकर ऐसे ऐसे हमको पंगा करेगा? अरे जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बागा को कैसे भी करके यहाँ लेके आता हूँ, मतलब उसको बुलाता हूँ। बावरी जी, आपको पाव भाजी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। आपको पता है यहाँ वर्ल्ड फेमस पाव भाजी मिलती है, एक नंबर। हाँ लेकिन मेरे लिए सेकंड नंबर, पहले नंबर पे तो आप है ना। आप बैठिए, मैं अभी पाव भाजी ऑर्डर करके आता हूँ। गेटा जी। बावरी, अरे मैंने तो बागा का फोन लगाया, तुझे कैसे लग गया? क्योंकि वो और उनका फोन दोनों मेरे पास है। अच्छा 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 अच्छा, दे जरा बागा को फोन दे। मैं नहीं दूंगी। बावरी मजाक मत कर, बागा को फोन दे जरा, अर्जेंट है। आप इतनी जल्दी भूल गए? आपने आज सुबह क्या वादा किया था? क्या आपने कहा था कि मैं वादा करता हूँ, आगे से दुकान बढ़ने के बाद बागा पूरा तेरा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुकान तब की बढ़ चुकी है। बाय, गुड नाइट। अच्छा ओके ओके, ठीक है फोन करवा, तू फोन करवा। हाँ ओके। क्या हुआ जीता जी? बागा का फोन बावरी के पास है, और बागा 5 मिनट के लिए जरा बाहर गया, तो कह रही थी मैं आते ही फोन करवाती हूँ। तो तुम उसको ऐसा क्यों बोला कि फोन करवा? बावरी को बोल देना चाहिए ना कि बागा को इधर भेज दे। नहीं बोल सकता। क्यों? बावरी गलती से मिस्टेक करती रहती है ना। अरे अभी बागा का फोन आएगा, मैं उसको बोल दूंगा, तुरंत आ जाएगा वो। भगवान क्या करूं, मदद करो प्लीज। अब टेंशन मत लीजिए अय्यर भाई। अरे टेंशन मत लीजिए, ये बोल बोल के ही तुमने टेंशन दिया है। तुमने एसी रिपेयर करने का जिद नहीं किया होता ना, तो अब तक सोनी का दोस्त आकर एसी रिपेयर कर दिया होता। अभी तभी मुझे ऐसा लगा कि अगर शायद 3 स्टेप में से 1 स्टेप का मतलब वो रिमोट का या झाली का या रिसेट बटन का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो अतः मुझसे ही ठीक हो जाएगा। बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, घर घर भी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। लेकिन अगर पहले से पता होता कि बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो मैं ही आपको बोलता कि यार भाई ये मुझसे नहीं होगा, ऐसे रिपेयरिंग वाले को ही बुला लीजिए। बागा भाई का अब तक फोन नहीं आया। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? वो रिंग बत्ती पता नहीं कट हो गया। कट हो गया या काट दिया? नहीं काटेगा क्यों, वो कभी कभी सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, ऐसा होता है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ।
तारी बली थाए इसने तो पका का फोन स्विच ऑफ कर दिया। ए भगवान अब क्या करूं, अभी तो बावरी को फोन करके उसे ही मनाना पड़ेगा। क्या हुआ, लगा कि नहीं? नहीं पता नहीं, नहीं लग रहा है। मैं काम करता हूँ, बालकनी में जाकर ट्राई करता हूँ। तो बालकनी में जाने दे, फोन लग जाएगा। हाँ, मेरे घर में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, तो मैं क्या करता हूँ, बालकनी में जाकर फोन लगाता हूँ तो लग जाता है। ठीक है, आप फिर बालकनी में जाइए। हाँ, हे भगवान, ये बावरी मेरा फोन उठा ले तो अच्छा है। आपको बदाम शेक पीना है? हाँ। अभी लाता हूँ। क्या है बेटा लाल जी, अभी हम मस्त पाव भाजी खा के बदाम शेक पीने आए, अब क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये डिस्टर्ब पड़ी, कट कर दिया। ए भगवान, मुझे भी क्या कुबुद्धि सोची, क्या सुबह मैं उससे वादा कर बैठा। जेठालाल, बड़ से नहीं अभी कड़ से काम लेना होगा। देखिए, अब बार बार इस तरह से फोन करते रहेंगे तो मैं मेरा फोन भी स्विच ऑफ कर दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना बेटा, दरअसल मैंने तुझे सॉरी बोलने के लिए ही फोन किया है, क्योंकि तेरी बात बिल्कुल बराबर है बेटा। मैंने वादा किया था कि दुकान बढ़ने के बाद मैं बागा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं अभी फोन कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुझे दिल से सॉरी बोल रहा हूँ बेटा। क्योंकि क्या है, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आ जाते हैं ना बेटा, ऐसे हादसे हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी आपको आपका वादा कुछ क्षण के लिए स्थगित कर देना पड़ता है। बेटा, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मैं फोन कर रहा हूँ, वरना मैं कभी फोन नहीं करता। क्या इमरजेंसी है बेटा? वो थोड़ा टेक्निकल है तो तू नहीं समझ पाएगी, बाका समझ पाएगा, तो अगर एक मिनट के लिए अगर तू उसे फोन दे सकती है तो मैं तेरा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। आपने सुबह वादा किया था, वो अब शाम तक भूल गए, उपकार तो हम भूल ही जाएंगे। नहीं 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 भूलूंगा बेटा, नहीं भूलूंगा। अब यह उपकार उपकार भूल जाइए, बस इतना कह दीजिए कि मैं जब चाहूँ दुकान आ सकती हूँ। बस इतनी सी बात बेटा? अरे आना बेटा, आना मिंदा सा, अरे तेरी दुकान है बेटा, तुझे कौन रोक सकता है? आप ही हमेशा रोकते। रोकता था, लेकिन अभी मैं बदल चुका हूँ बेटा। कल से मैं तुझे नहीं रोकूंगा, कल से जब तेरी मर्जी तू आ, जब तेरी मर्जी तू जा। सर? सोलाने सच। मैं नहीं मानती। हेलो, फिर से फोन कट कर दिया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। इसने ये फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। भगवान, अब मैं बबीता जी को क्या जवाब दूंगा? फोन की बैटरी डेड हो गई। क्या हुआ बावरी जी? वो सेठ जी का फोन आया था, मैं उनसे बात ही कर रही थी कि अचानक मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई। अरे लेकिन सेठ जी ने आपके फोन पे फोन क्यों किया? क्योंकि मैंने आपका फोन स्विच ऑफ कर दिया था। क्या, क्यों और कब? जब आप पाव भाजी लेने गए थे तो सेठ जी का आपके फोन पे दो बार फोन आया था, तब मैंने सोचा कि अगर वो मुझे दुकान में उनके टाइम पे आने नहीं देते तो मैं भी उन्हें अपने टाइम पे बीच में नहीं आने दूंगी। बावरी जी, ये क्या किया आपने? सेठ जी मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, कोई अर्जेंट काम आया होगा तभी उन्होंने मुझे फोन किया होगा। लाइए मेरा फोन दीजिए। क्यों बोलिए चाची, बात हुई बागा भाई से? बात तो हुई, लेकिन लेकिन बागा नहीं आ सकता। पूरी रात में गर्मी में कैसे सोने वाले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
देखा देखा, अब तुम्हारा वजह से मैं और बबीता रात भर सो नहीं पाएंगे। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बबीता बबीता, हे भगवान, ये वाइडी बाउरी की वजह से सब गड़बड़ हो गई। ये बागा को भी और कोई लड़की नहीं मिली, ये बाउरी के प्रेम में पड़ा। बागा का फोन। थैंक यू भगवान, थैंक यू बागा। सॉरी 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 सेठ जी, बाउरी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू सॉरी मत बोल, मैं तुझे सॉरी बोलता हूँ बेटा, मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी, दुकान बढ़ने के बाद मैं तुझे फोन कर रहा हूँ, तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ बेटा। नहीं नहीं सेठ जी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको कोई अर्जेंट काम हो तो ही आप मुझे डिस्टर्ब, मतलब आप मुझे फोन करते हैं। बताइए क्या काम है? बेटा बबीता जी का एसी बिगड़ गया है और अभी का अभी रिपेयर करना है, तो तू प्लीज अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ सकता है बेटा? आप मुझे प्लीज मत बोलिए। और आ सकता है क्या? आप फोन रखिए, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। आजा आजा, शाबाश बेटा शाबाश, आजा आजा। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। अरे बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोग उदास क्यों हो गए? मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब बागा भाई आ रहे? अरे मैं फोन करूँ और ना, ऐसा कभी हो सकता है? वो तो मुझसे फोन पे बात करते करते ही निकल गया। अभी किसी भी वक्त यहाँ पहुँचता ही होगा। थैंक यू सो मच। जीठा जी, आप तो बोल रहे थे कि बागा भाई यहाँ पे किसी भी वक्त पहुंच रहे होंगे। काफी वक्त हो गया, कहाँ है वो? अभी तक आए नहीं। मेरे को तो लगता है कि बागा आने वाला ही नहीं है, ये जेड अलर्ट टाइम पात कर रहा है। अरे मुझे घर जाकर सोना है, कल सुबह दुकान जाना है, मैं यहाँ बैठ के टाइम पास क्यों करूंगा बबीता जी? तो फिर बागा किधर है? आ गया आ गया, देखो आ गया। तू तू क्यों साथ में आई है? सेठ जी, बावरी जी की स्कूटी की वजह से तो मैं जल्दी आ सका। अरे जल्दी कहाँ भाई, कब का फोन किया था मैंने तुझे? हाँ लेकिन सेठ जी, एसी रिपेयर करने के लिए टूल्स तो चाहिए ना, तो वो लेने पहले घर गया फिर यहाँ आया। अच्छा ठीक है, चल चल अभी जल्दी एसी रिपेयर कर दे चल। जी कहाँ है एसी? बेडरूम में है, आप लोग जाइए, मैं आप लोग के लिए कुछ ठंडा लेके आती हूँ। पपीता जी, मैं भी आपको मदद करती हूँ। अरे पपीता, पपीता जी नाम है उनका, बबीता जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आइए चल चल भाई, तू रिपेयरिंग चालू कर जल्दी। जी चल चल। ओ कहाँ जा रहा है भाई? उधर है बेडरूम। अच्छा सॉरी, तो बालकनी है ये एसी। इसका रिमोट, इरा। हाँ रिमोट तो मैंने चेक कर लिया है बागा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर सेल भी नया ही डाले हैं, रिमोट फर्स्ट क्लास चल रहा है। और वो जाली भी मैंने चेक कर लिया, जाली भी एकदम साफ है, कोई कचरा नहीं है। और वो रिसेट का बटन वो भी मैंने दबा के देख लिया, फिर भी ऐसे चालू नहीं हो रहा है। तो सेठ जी, या तो इसकी पावर सर्किट उड़ गई होगी। अच्छा। या तो इसकी पावर सर्किट को पावर नहीं मिल रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक से चालू करेंगे, इसकी स्विच चेक करेंगे कि स्विच में तो कोई गड़बड़ नहीं है। बराबर। अय्यर भाई, एसी की स्विच कहाँ है? वो क्या है, स्विच बोर्ड में। बोरा सिंह जी, आप लोग बैठिए, मैं देख लेता हूँ। अच्छा ठीक। थैंक यू थैंक यू। आपका ग्लास? हाँ मेरा, बावड़ी का भी लेके आ। मेरे परम मित्र जेठालाल को उड़ती हुई मधुमक्खी को हाथ में पकड़ने का बड़ा शौक। बेकार में बबीता जी के एसी को रिपेयर करने का जिम्मा अपने सर पे ले लिया। अब एसी उनसे रिपेयर हुआ नहीं तो बाघा को बुला लिया। डूबते हुए जेठालाल के लिए बाघा ही वही तिनके का सहारा है। लेकिन अगर बाघा से भी वो एसी रिपेयर नहीं हुआ तो जेठालाल फंसेगा। अच्छा खासा सोडी एसी रिपेयर करने वाले को बुला रहा था, लेकिन नहीं, बबीता जी का नाम सुनते ही जेठालाल ने होशियारी मारी और कहा कि वो एसी मैं रिपेयर कर दूंगा। अब जेठालाल के साथ
आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हो गई। अगर एसी रिपेयर नहीं हुआ तो बेचारी बबीता जी को पूरी रात गर्मी में सोना पड़े, जेठालाल का पोपट होगा और अय्यर गुस्सा हो। एसी की वजह से मामला गर्म होगा या ठंडा ये तो मुझे पता नहीं, ये तो एसी के रिपेयर होने पर निर्भर करता है, लेकिन आगे जो भी होगा हंसी और ठाकुर से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।